नमस्कार मित्र, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों, जीते जी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। वक्त रहते संभल जाओ, नहीं तो मित्रों जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे, क्योंकि यह घटना आपकी जिंदगी में कोहराम मचा देगी। मित्रों, दिनांक 5 मार्च से लेकर 10 मार्च तक, यानी कि इन 6 दिनों में आपके जीवन में जो उथल पुथल मचेगी वह बड़ी ही भयानक होगी। एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं, और कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। गुरु महाराज आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मित्रों, आने वाले यह जो 6 दिन हैं, यह दिन कोई मामूली नहीं है। हम आपको बताएंगे कि कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटेगी जो आपको दुख देगी, कौन सी सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी, किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, और आखिर ग्रह ऐसी कौन सी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी समझ से परे हैं। यही सब बातें, यही सब घटनाएं हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं। मैं है तपूर्ण समय अंतराल की कि किस तरह से आपके जीवन की परीक्षा शुरू होगी। तो मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से मित्रों आपके परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। अर्थात 2 नंबर के कामों से आपको दूर रहना है, नहीं तो आप किसी बड़े पंचड़े में फंस सकते हैं और बाहर निकलने के लिए आपको जी जान लगाने पड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समय पूरी तरह से नकारात्मक है। मित्रों, आपका कोई ऐसा सपना साकार होने वाला है जिसके लिए आपने पूरी शिद्दत से अपने कार्य में जुट गए थे और अपनी क्षमता पर विश्वास रखा था, क्योंकि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। यह मित्रों 100% सही है। बहुत सी परेशानियों का भी हल आपको मिल जाएगा, लेकिन परिस्थितियाँ एक वक्त के बाद अचानक से बदलेगी। रिश्तेदारों से संबंधित किसी विवाद के सुलझने से रिश्तों में भी दोबारा मधुरता आएगी। तो मित्रों, कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ भी बनेगी जिसमें आपको सावधानी से कदम रखना होगा। अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना बिल्कुल ना करें, और किसी अप्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से वातावरण नकारात्मक हो सकता है और इस तनाव का असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। युवाओं को करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है, और प्रॉपर्टी संबंधित बिजनेस में सकारात्मक नतीजे आपको मिलेंगे। मित्रों, ऑफिस में काम ज़्यादा होने से एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है। अब ध्यान रखिएगा कि ऑफिस में यदि काम ज़्यादा है तो समय दें। घर की समस्याओं को हल करने में जीवन साथी के महत्वपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, तथा किसी मित्र के मिलने से पुरानी यादें पुनः ताज़ा हो जाएगी। वहीं इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कोई इन्फेक्शन होने की आशंका है। अब बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई लापरवाही ना बरतें और अपनी जांच अवश्य कराएं। सितारों का साथ पुनः मिलेगा और जिंदगी पुनः मित्रों चमकदार बनेगी। जिस काम में हाथ डालेंगे वह काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और विद्यार्थी वर्ग को अपने किसी प्रोजेक्ट में उचित सफलता मिल सकती है। मित्रों, वित्तीय कार्यों में हिसाब किताब करते समय थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। किसी प्रकार की गलत फहमी आपको हो सकती है
और कहीं भी आपको निवेश नहीं करना है। जी हाँ, अगर निवेश किया तो पैसा पूरा डूबेगा। बेहतर होगा कि इस वक्त थोड़ा सा रुक जाएं और सही समय का इंतजार करें। किसी भी दस्तावेज या पेपर से संबंधित कार्य में हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें मित्रों। वहीं आपको बता देते हैं कि कारोबार में मैन्युफैक्चरिंग बहुत सावधानी से करने की आपको ज़रूरत है, नहीं तो दिक्कतें और बढ़ सकती है और आपके साथ धोखा हो सकता है। शेयर और स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा मित्रों। ऑफिस का माहौल व्यवस्थित रहेगा, सब कुछ आपके मन के मुताबिक ही रहेगा और वैवाहिक संबंधों में आपकी मधुरता रहेगी तथा घर में नज़दीकी रिश्तेदारों के आने से चहल पहल और खुशी भरा वातावरण रहेगा। मित्रों, नसों में दर्द व खिंचाव जैसी स्थिति महसूस रहेगी और योगा तथा व्यायाम पर भी अधिक समय व्यतीत करें। कुछ राजनीतिक अथवा प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात मित्रों बहुत ही बेहतरीन होगी। जनसंपर्क का दायरा बढ़ाएगा और आपकी लोकप्रियता भी मित्रों जगह जगह फैलेगी। साथ ही कुछ राजनीतिक लोगों से मुलाकात होगी। अब जब राजनीतिक लोगों से मुलाकात करें तो अपने बोलचाल का थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी समाज सेवी संस्था में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और ज़्यादा सोच विचार करने से उचित परिस्थितियाँ भी हाथ से निकल सकती है। इसलिए प्रैक्टिकल बने और समय के अनुसार तुरंत निर्णय लें। किसी भी प्रकार का लोन या उधार लेने की योजनाएं इस वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी है। साथ ही किसी भी व्यक्ति के साथ लेन देन ना करें। मित्रों, ठगी व धोखे का शिकार आप हो सकते हैं और बिजनेस में बाहरी गतिविधियों में ज़्यादातर वक्त आपका बीत सकता है और मार्केटिंग से संबंधित कार्यों को निपटाने के लिए बहुत ही उचित समय चल रहा है। मित्रों, कुछ कड़े फैसले फायदेमंद भी होंगे और नौकरी में भी स्थिति पूरी तरह से मजबूत रहेगी। मित्रों, उच्च अधिकारियों का जो सहयोग आपको मिल रहा है वह सहयोग जीवन भर रहेगा और घर में अनुशासित तथा सुखद माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति से विवाह से संबंधित योजनाएं बननी शुरू हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य जो है मित्रों वह पूरी तरह से ठीक रहेगा और मौसम की वजह से कुछ आलस भरी स्थिति रह सकती है। मित्रों, राजनीतिक और प्रभावशाली और सामाजिक व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो सकती है। इन व्यक्तियों के साथ संपर्क में ना रहने से आपके मान सम्मान तथा व्यक्तित्व में निखार आएगा और निकट भविष्य में यह संपर्क फायदेमंद भी साबित होंगे। कोई पारिवारिक मामला आपके द्वारा हल हो सकता है। प्रैक्टिकल बने और पूरी तरह से सचेत रहें मित्रों। आपके सरल स्वभाव की वजह से कोई व्यक्ति आपको बहला फुसला कर अपना मतलब निकलवा सकता है और अनावश्यक खर्चों पर भी अंकुश लगाना आवश्यक है। वर्तमान समय में पूरी तरह से अपने व्यापार पर फोकस करने का मित्रों आपको ध्यान रखना है और विस्तार संबंधित गतिविधियों पर विचार शुरू होगा। और मित्रों, नौकरी पेशा व्यक्तियों को अत्यधिक कार्यभार की वजह से कुछ तनाव रह सकता है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में ना पड़कर अपने करियर पर भी ध्यान केंद्रित रखें और अपनी सोच को काफ़ी पॉजिटिव बनाकर रखें। नकारात्मक विचारों का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, इसलिए हद ज़्यादा नकारात्मकता बरतना आपके लिए मित्रों नुकसानदायक साबित हो सकता है। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को सकारात्मक बनाकर रखें। तो मित्रों, अब आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा
और कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी